हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त और चौकस एकदम आपके भाई की तरह। लेकिन पवन सिंह भाई के कुछ हेटरों के हर वक्त पिछवाड़े में दर्द होता रहता है। यू गाइस ऑलरेडी नो, आप सबको पता है कि कल पवन सिंह भाई का गाना आया था देवघर से ले ले आइए, जिसमें शिल्पी राज की फीचरिंग थी। उस गाने के रिलीज होने के कुछ टाइम बाद एक फलनवा पांडे नाम का यूट्यूबर है, जिसको कोई भी नहीं जानता, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं, वो लोगों की परछाई है। लोगों की क्या, सिर्फ एक बंदे की, यानी कि खेसारी लाल यादव की परछाई है। सो भाई, उस बंदे ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो बनाई कि ये गाना कॉपी है, इस गाने की लाइन मिल रही है, ये वो, और बकायदा उस गाने को प्रमोट किया उस बंदे ने, जिससे उस गाने के व्यूज़ बढ़ने लगे और लोगों को लगा कि हाँ भाई, वो गाना सच में कॉपी है। और उसके बाद मैंने भी एक उस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन आज वही गाना दूसरे लेबल ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो दूसरा लेबल है उन्होंने उस गाने पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी कि ये गाना कॉपी है, ये गाना हमारे लेबल पे पहले आ रखा है। इवन दो वो गाने में कोई और सिंगर था, इस गाने में पवन सिंह भाई थे और आवाज़ पवन सिंह भाई की थी, गाना लिखा भी किसी और ने था, लेकिन उन्होंने लिरिक्स कॉपी के बिहाफ पे उस गाने पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी। और हुआ क्या, शेर से पंगा लेने का नुकसान। पवन सिंह भाई को जितने भी भोजपुरी लेबल जानते हैं, जितने भी लेबल पवन सिंह भाई के नाम से पैसा कमाते हैं, सभी लेबल्स पवन सिंह भाई के साथ आकर खड़े हो गए। और सभी लेबल्स ने बोला कि भाई, पवन सिंह भाई का अगर एक गाना गलती से, वो गाना जानबूझकर पवन सिंह भाई को नहीं पता था, अगर पवन सिंह भाई को पता रहता कि वो गाना किसी और नल्ले सिंगर ने गा रखा है, तो पवन सिंह भाई उस गाने को हाथ तक ना लगाते, गाना तो बहुत दूर की बात। और रही बात, फिर सभी लेबल्स ने ये बोला कि भाई, आप पवन सिंह भाई के गाने को लेकर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो, गाने पे स्ट्राइक डाल रहे हो, अगर हम स्ट्राइक्स डालने पे आगे तो खेसारी लाल यादव के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 गाने कॉपी हैं, 100 के 100 गाने उड़ जाएंगे। और ये बात की ज़्यादा चर्चा होने लगी कि भाई, खेसारी लाल के सभी गाने कॉपी है। और मैं उन नल्ले यूट्यूबर से दरखास्त करना चाहता हूँ जो मुंह खोल के ऐसे हकते रहते हैं यूट्यूब पे आके कि भाई ये गाना कॉपी कर लिया, वो हो गया, ये हो गया, उन सबको बताना चाहता हूँ कि बड़ी मार मारब, अगर आइंदा ऐसी वीडियो बनाओगे तो बड़ी मार मारब। और अब जल्दी से सुधर जाओ, अपने फेवरेट सुपरस्टार को बोलो कि भाई, जो तूने 100 गाना सेम कंपोजिशन में गाया है, 100-100 गाने तू कॉपी करता है, आए दिन हर गाना कॉपी करता है, आए दिन कोई गाना कॉपी होता है, आए दिन कोई गाना कॉपी होता है, पहले उसको सुधारो। हमारे पंजाब में एक कहावत है कि किसी के घर पे झांकने से पहले अपने मंजे के नीचे सोटा फेर लेना चाहिए, मतलब किसी को बुरा बोलने के लिए अपने अंदर झांको कि भाई तुम कितने अच्छे हो, पहले अपने फेवरेट सुपरस्टार को बोलो कि गाने कॉपी करना बंद करे, हमारे सुपरस्टार से तो एक गलती हो गई तो आपने बात का पहाड़ बना दिया। और हुआ क्या, क्या हाथ लगा उस लेबल के, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए उस गाने पे स्ट्राइक लगी रही, या 1-2 घंटे के लिए, और गाना वापस आ चुका है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं सुना तो गाना जाके ज़रूर सुनिए, और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गाने के दोबारा ग्रोथ बन जाए। ये गाना ट्रेंडिंग में आने वाला था और मे बी बिहार में तो आ भी गया होगा। और पवन सिंह भाई के पहले जितने भी बोलबम गाने हैं, सभी के सब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आप सबको पता है, पूरे इंडिया में, अकेले बाहर में नहीं, पूरे इंडिया में वो गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। सो ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको गाना कॉपी वाली कंट्रोवर्सी समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर कोई बातचीत करनी है, और इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर होने वाला है, जैसे होगा हम लाइव आएंगे, बातचीत करेंगे, मिलते हैं।